हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। माय नेम इज निखिल एंड यू ऑल आर वाचिंग J23। सो अभी मैं हूँ खंदा कॉलोनी में ही, और अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेक ऑयल डालने के लिए फ्रंट डिस्क ब्रेक का, जो कि ख़त्म हो चुका है, लास्ट टाइम लीकेज हो गया था। तो अभी टाइम हो रहा है 5:06, तो मिलते हैं सीधा गैरेज वाले के पास। तो गाइस अभी मैं मुन्ना गैरेज के यहाँ पे आया हूँ, तो ब्रेक ऑयल अभी डालना पड़ेगा। ब्रेक ऑयल डालते हैं, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कौन से। गाइस ये मास्टर सिलेंडर है, और मुन्ना भाई के पास ऐसे एक्यूरेट सेम दिखने वाला है, लेकिन साइज में थोड़ा छोटा है। तो मुझे अभी जाना पड़ेगा CKT कॉलेज के रोड पे, ब्रिज के नीचे, ये मास्टर सिलेंडर ढूंढने के लिए। तो अभी हम लोग वहाँ पे ही चलते हैं और मिलते हैं फिर बाद में। गाइस अभी मैं ब्रिज के नीचे से चल रहा हूँ, और ये मास्टर सिलेंडर तो उनके पास था KTM का, और KTM का मुझे थोड़ा सा बराबर से फिट नहीं हो रहा है, 19-20 है, तो उनके पास भी अवेलेबल नहीं है। तो अभी ये मुझे शोरूम से ही लेके आना पड़ेगा मास्टर सिलेंडर। तब मेरे सामने का फ्रंट ब्रेक बंद रहेगा ABS। तो गाइस लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और ढूंढते थोड़ा और फिर कंक्लूजन पे आते। सो गाइस इट इज Day 2, और मैं अभी सुजुकी सर्विस सेंटर के अंदर हूँ। बैक ब्रेक पूरा लेके आया हूँ, क्योंकि MC किट पूरा गया है मेरा मास्टर सिलेंडर, तो उसको अभी चेंज कराने का है। और अभी मेरी गाड़ी का नंबर आने वाला है, तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। और सुजुकी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो खाली सुजुकी सेल करते हैं, और अगर हम लोग इधर से पार्ट लेना चाहते हैं तो इधर से पार्ट लेके बाहर पेट भी नहीं कर सकते, फिर कंपनी वारंटी नहीं देता उसके बारे में। तो इसके लिए मैं इधर ही आया हूँ। तो अभी देखते हैं, 1000 तक एस्टिमेट है, देखते हैं कितने तक होता है काम। और सब मेरे पहचान वाले हैं, तो सब्सक्राइबर्स है अपने सब लोग, तो लेट्स सी। तो ओपन वेल में हूँ, तो मिलते थोड़ी देर बाद, थोड़े सिनेमैटिक्स भी रूल्स लेता हूँ बाइक के बारे में, और है कैसे कैसे आया घर से इधर तक मेरे को मालूम। सामने का ब्रेक ही नहीं लग रहा था, और आदत हो गया पूरा ABS दबाने का। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस फाइनली अभी सर्विसिंग करके हो गया बाइक का, और धूप बहुत ज़्यादा है, तो मैं इधर थोड़ा शेड में आ गया हूँ, और बाइक आपको मैं दिखाता हूँ लास्ट में, और बिल अभी मैं दिखाता हूँ। बिल अभी ये साइड में स्क्रीन के ऊपर आएगा। तो 1190 रुपीज़ का चार्जेस लगे, तो बहुत ही ज़्यादा लगा बिल। और सर्विसिंग वाले भी बाहर पार्ट ऐसे सेल नहीं करते कि हम लोग परचेस करेंगे और बाहर जाके फिट करेंगे, तो बिल ज़्यादा लग गया और धूप बहुत ज़्यादा है। तो मैं ब्लॉग के एंड करता हूँ अभी। तो गाइस सब कुछ क्लीन हो गया, एकदम बढ़िया हो गया। तो विद दैट सेट, अगर आपको अच्छा लगा होगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस आल्सो। साइनिंग आउट NJ23, जैसे नए नए इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। बाय।